है MIUI 10 के 5 अमेजिंग गेस्चर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Redmi Note 4 में फुल स्क्रीन गेस्चर नहीं आया है, इसके अलावा भी काफ़ी कूल गेस्चर आए हैं Redmi Note 4 में MIUI 10 के साथ, तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात करें। पहला गेस्चर यह है कि यदि आप मल्टीटास्किंग ट्रे में जाते हैं और उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको आप स्वैप डाउन कीजिएगा, तो जिससे ये ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है और आपको कैंसिल बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरा गेस्चर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जिनका उंगली अपने फ़ोन के मुकाबले छोटा है। नोटिफिकेशन पैनल को खोलने के लिए स्क्रीन के टॉप में जाके आपको स्वैप डाउन करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप स्क्रीन में कहीं भी स्वैप डाउन कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि यदि आप एप्लीकेशन के अंदर स्वैप डाउन कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन पैनल नहीं खुलेगा। तीसरा गेस्चर यह है कि यदि आप अपने ब्राउज़र को तुरंत ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रीन में कहीं भी स्वाइप अप कीजिए और तुरंत आपका ब्राउज़र खुल जाएगा और सर्च में आप चल जाएंगे और तुरंत आप सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। चौथा नंबर में जो गेस्चर है वो MIUI 9 में ही दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया था, लेकिन कोई बात नहीं, MIUI 10 में तो कम से कम दे दिया गया है। इस गेस्चर के लिए आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, उसके अंदर जाके आपको क्लिक करना है बटन एंड गेस्चर शॉर्टकट्स में, फिर आपको क्लिक करना है ओपन स्प्लिट स्क्रीन में, फिर आप अपना बटन सेलेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, जैसे कि हम अपने सेलेक्ट किए हैं, और जब भी हम किसी एप्लीकेशन के अंदर जाके अपने बैक बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे ये डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन को खोल देगा, और स्प्लिट स्क्रीन के लिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जैसे कि पहले आपको जाना होता था मल्टीटास्किंग ट्रे में, फिर वहाँ से आपको स्प्लिट स्क्रीन का बटन दबाना पड़ता था, तो लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी कूल और हैंडी फीचर है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। पांचवा गेस्चर ये है कि यदि आप अपने मेन्यू बटन को दो बार क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीवियस ऐप पे स्विच कर देगा, और फिर आप यदि मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं प्रीवियस ऐप में तो आपको फिर से मेन्यू बटन को दो बार क्लिक करना होगा, जिससे कि ये फिर से आपको प्रीवियस ऐप पे स्विच कर दे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आओ तो लाइक करें और बहुत सारे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।